जगह पे पहुंच चुके हैं वाघा बॉर्डर। तो शाहजहां भाई कोई गम नहीं लेना, शीश महल है ये मिला। द स्क्विरल टेल यूज फॉर द फिटिंग। प्लीज ये आंख की लस्सी पिए प्लीज। और हम लोग इस टाइम पे मौजूद हैं बच्चे की सिरी पाई की दुकान के बाहर। हाँ तो भाई, मुमताज के शीश महल से दानी और इम्मी जो है वो आपको खुशामदेद कहते हैं। हम लोग पहुँच चुके हैं शीश महल। तो कहाँ है भाई ये लोकेशन, बताओ इसकी जल्दी से। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, शीश महल इज एक्चुअली लोकेटेड विद इन द लाहौर फोर्ट, और लाहौर फोर्ट के बिल्कुल साथ ही बादशाही मस्जिद भी है और मीनार पाकिस्तान भी है। लेकिन शीश महल के लिए पहुँचने के लिए आपको एक काइंड ऑफ एक सीक्रेट स्टेयरकेस लेनी होती है। हाँ, तो जैसे ही आप लोग, मतलब ये बिल्कुल मीनार पाकिस्तान, लाहौर फोर्ट और बादशाही मस्जिद के साथ है, और यहाँ पे मेरे ख्याल से लाहौर फोर्ट में 21 मॉन्यूमेंट्स हैं जिसमें से एक ये शीश महल है। तो जैसे ही आप लोग लाहौर फोर्ट में दाखिल होंगे, उससे पहले ही लेफ्ट पे जो है ये थोड़ा सा हिडन है, लेकिन किसी से भी आप पूछेंगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन ये मिस बिल्कुल नहीं कीजिएगा, ये बहुत खूबसूरत है। और एक और काम की बात जो इंतजार ने मतलब ये बताई कि ये पूरा जो काम हुआ है दीवारों के ऊपर, ये है शीशे का। और पहले मुग़ल एम्पायर में, मुग़ल पीरियड में, यहाँ पे मेरे ख्याल से डायमंड्स, पर्ल्स, जेम स्टोन्स, प्रेशियस स्टोन्स, सारी चीज़ें थी मौजूद। तो यार ये क्या किया है, मतलब शाहजहां भाई, मतलब कहाँ गई वो सारी चीज़ें? हम लोग आए थे वो ढूंढने, लेकिन कुछ मिला ही। ऐसा फील होता है जैसे आप बैक इन टाइम चले गए हो, कोई क्वीन बन गए हो और मैं वैसे ही आज ड्रेस अप हो के आई हूं लाइक क्वीन। और ये मुगल जो एम्परर थे शाहजहां, उन्होंने मुमताज के लिए बनवाया था, तो वो तो देख नहीं सकी, उनकी पहले वफात हो गई थी इसके बनने से पहले। तो आज पहुँच चुके हैं हम। तो शाहजहां भाई कोई गम नहीं लेना, गम नहीं लेना, हम हैं यहाँ पे, क्रेडिट दे रहे हैं आपको, बहुत फिट बनवाया आपने, जा गए हो आप। ओरिजिनल गोल्ड द नेम ऑफ दिस पेंटिंग आर्ट इज द गिल्ट आर्ट। व्हाट इज द गिल्ट आर्ट? दे मेल्ट द ओरिजिनल गोल्ड एंड यूज फॉर द प्लेसिंग। अच्छा, दैट इज जबरदस्त। At that time there is no brush used. The squirrel tail used for the painting at that time. अच्छा, squirrel tail. अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत शुक्रिया। Lahore has such a special place in my heart because not only was I born in Lahore, I spent the first few years of my life here. Lahore aake meri itni bachpan ki yaadein taaza hui aur mujhe waqai mein ek bahut nostalgic feeling aa rahi thi. Wo galiyan, wo log, wo khane, har cheez mujhe bachpan ki yaadein dila raha tha. Aur sabse achhi baat ye thi ki Tani aur Inaya mere saath the. Lekin kya ek Lahore ki trip lassi try kiye bagair puri hoti hai? Bilkul bhi nahi. तो फिर हम निकल पड़े लस्सी ढूंढने। तो हम लोग इस टाइम पे मौजूद हैं रफीक बट अल मारूफ चाचा फीका की लस्सी की दुकान पे, मेन लाहौर अंदरून लाहौर में वाक़ है। और ये भाई अभी यहाँ पे हमें पेड़े वाली लस्सी बना के देंगे, ज़बरदस्त किस्म की। इसको जनाब आपने ना इस तरह से आइसक्रीम की तरह काट के खाना, मिक्स नहीं करना, ठीक है? ये दो गिलास इधर से शुरू करो, मिक्स करोगे, खोए का वेट ज़्यादा है, मक्खन लाइट वेट है, वो नीचे उतर जाएगा। मेरे को ताकत है, एक गिलास इसको भी बना के दे दो, इसको गर्मी चढ़ गई है। देखें लस्सी की शक्ल दिखाती हूँ। ओह माय गॉड यार, ये क्या है इसके ऊपर? ये खोया है और ये मक्खन है, इन्होंने अभी बनाया है यहाँ पे भाई बैठ के। और मैं भी सोच रही थी तकरीबन 45 मिनट्स उनको खाली ये मक्खन निकालने में लगे, खूब घोटा उन्होंने, उसके बाद ये ऊपर जो है ये है पेड़ा, पेड़े वाली लस्सी। अच्छा, पेड़ा क्या है ये बताते हैं? चलो, पेड़ा मेरे ख्याल से एक मिठाई की किस्म होती है, तो वो हाथ से जब ये लस्सी तैयार हो जाती है तो ऊपर से डाल देते हैं। सो गाइस, मतलब इसके ऊपर वाइट वाइट भी है और वो मक्खन है, और दूसरा ये दूसरा खोया है। हाँ, ओह माय गॉड, रोजा तोड़ लो भाई, रोजा तोड़ लो, अनरियल यार, ये मैं नहीं खा सकती। लेकिन अभी 3 बज रहे हैं, मैंने कुछ खाया नहीं इस वक्त, सो
अगर आप देख रहे हैं मेरी वीडियो प्लीज ये आप लस्सी पिए बेशक इस पाक सरजमीन को हासिल करने के लिए हमारे बड़ों ने और बुजुर्गों ने बेतहाशा कुर्बानियाँ दी और अब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इनफरादी तौर पे अपना किरदार अदा करें और ये बात हमेशा याद रखें कि एक आज़ाद मुल्क की अहमियत सबसे बेहतर वही लोग जानते हैं जो इस नेमत से महरूम हों। हमलोग इस टाइम पे कहाँ हैं भाई? हमलोग इस टाइम पे पहुँच चुके हैं वाघा बॉर्डर, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि हमलोग पाकिस्तान टूर करें और बगैर वाघा बॉर्डर आए जो है ये टूर जो हमारा कंप्लीट हो जाए, तो ये नामुमकिन था, बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। तो हमलोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। म्यूजिक बंद हो गया, म्यूजिक अभी खुल जाएगा क्योंकि हम लोग फौरन अंदर दाखिल होने वाले हैं। और इंसान क्या तासुरात है? मैं बचपन से चाहती थी मैं वाघा बॉर्डर की सेरेमनी देखूं, लेकिन आज वो दिन आ गया है। तो भाई इम्तिसाल की बचपन से ये ख्वाहिश थी क्योंकि यहीं पली बड़ी है, वेल पली बड़ी तो नहीं है लेकिन इसकी पैदाइश लाहौर की है, लेकिन मैं हमेशा से ये चाहता था क्योंकि मैं कराची का हूँ और कराची वाले मेरे ख्याल से तड़पते हैं अंदर से कि हम लोग जाएँ और देखें कि हमारी किस तरह की तकलीफ होती है ये वाघा बॉर्डर वाली जो है। तो हम लोग आ चुके हैं, मम्मा इनाया को लेकर अंदर जा चुकी हैं, हम लोग आगे से आ रहे हैं। हाँ, तो हम लोग यहाँ से फौरन अंदर जाएंगे, आप लोगों को वहाँ के गर्मा गर्म मनाजिर और नज़ारे दिखाते हैं। आ जाएं। वाघा बॉर्डर की जो सेरेमनी थी, जो तकरीब थी, वो इख्तिताम पज़ीर हो गई है। इतनी चीखें मारी हैं, इतना ज़ोर से चिल्लाए हैं कि आवाज़ जो है वो बिल्कुल साथ नहीं दे रही है, चली गई आवाज़। लेकिन यार इतनी इलेक्ट्रिफाइंग थी, यू जस्ट सो लाइक पता नहीं क्या होता है। तो भाई अगर आप लोग पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में रहते हैं या इवन अगर बाहर भी रहते हैं तो ये वंस इन अ लाइफ टाइम चीज़ है, ये आप लोगों को ज़रूर करनी है। इतने इलेक्ट्रिफाइंग सीन्स थे, इतने मतलब खून गर्मा देने वाले सीन्स थे कि बहुत मज़ा आया। अब हम लोग वापस जा रहे हैं गाड़ी की तरफ और फिर आगे हमारी जर्नी कैरी ऑन होती है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान। और इतने जोरदार नारे लगाने के बाद अगर आपको भूख लग जाए तो पाकिस्तानियों आपने घबराना नहीं है, आपने सीधा रुख करना है बट कढ़ाई का। वहाँ पहुँचने के साथ ही आपको ऑर्डर करनी है बेहतरीन किस्म की गर्मा गर्म बट कढ़ाई। और अगर आपके साथ कोई जबरदस्त किस्म का कटाकट खाने का शौकीन जा रहा है तो भाई वो सिस्टम भी आपको यहाँ मिलेगा। तो भैया अगर ये सब कुछ खाने के बावजूद आपके पेट में गुंजाइश बच गई है तो आप लोगों को रुख करना है सरदार मछली का, वहाँ पे जाके चटपटी गर्मा गर्म मछली खाएं। और हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कम से कम 10,000 लाइक्स तो दें ताकि जो खाया है वो हजम भी हो जाए। सब करें, हंसने की बात नहीं है, जो मुझे देख के हंस रहे बिल्कुल हंसने की बात नहीं है। हाँ, तो कितने अरसे से आपकी दुकान है यहाँ ग्वाल मंडी में? 40-45 साल हो गए। 40-45 साल हो गए। तो इसके अलावा कोई और फूड स्ट्रीट है लाहौर में? बादशाही मस्जिद की बैक साइड पे, वहाँ होकर आ गए। और एक और थी वो लक्ष्मी शॉप, अनारकली वाली, वो खत्म हो गई। अच्छा, चलें, बहुत शुक्रिया। न्यूजीलैंड वाले भाई, तो गाइस हमने अभी ट्राई की पहले सरदार की मछली, फिर हमने ट्राई की बट की कढ़ाई। सरदार की मछली अच्छी थी लेकिन बहुत नमकीन थी, लाइक आई फेल्ट लाइक उसमें सॉल्ट बहुत ज़्यादा था। आई डोंट नो, मे बी नहीं होता, आई थिंक हमने मसाला ज़्यादा डलवाया था, आई डोंट नो। बट की कढ़ाई वाज नाइस बट बिकॉज इनाया वाज सो तंग, आई प्रीटी मच कुडंट ट्राई इट। हाँ, तो आज हमारा चौथा दिन है लाहौर में और हम लोग इस टाइम पे मौजूद हैं भज्जे की सिरी पाई की दुकान के बाहर। और ऐसा कैसे हो सकता है कि लाहौर से हम बगैर सिरी पाई खाए इस्लामाबाद रवाना हो जाएं? ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है। तो अगर आप लोग भी लाहौर आ रहे हैं तो आप लोगों को ये जगह बिल्कुल नहीं मिस करनी, इसके बगैर जो है लाहौर नामुकम्मल है भाई। तो यहाँ आना लाजमी है और यहाँ से पाए खाना जो है वो बहुत ज़रूरी है, तो ज़रूर खाइएगा। ये उस्ताद फजल दीन उर्फ भज्जा के नाम से जो है ये इसकी यहाँ की शुरुआत हुई थी सिलसिले की, और माशाल्लाह अल्लाह ताला ने ऐसी बरकत डाली है इस काम में कि अब ये माशाल्लाह फैलता जा रहा है, पूरी दुनिया से लोग यहाँ पे आते हैं खाना खाने।
यहाँ पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी साहब भी आए थे और जी 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 दीगर एक्टर्स यहाँ पे आके खाना खा के जा चुके हैं। शहबाज शरीफ साहब यहाँ पे आए थे और आज हम लोग भी आ गए। आज चलते हैं हम फिर मुलाकात होगी कभी।